सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3 है, √3 में एक संभव त्रिभुज के शीर्ष से, यह हमें सिद्ध करना है। और देखो, हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था, त्रिभुज वाला क्वेश्चन किया था एक, ये देखो ये हो गया आपका संभव त्रिभुज, नाम दे देते हैं। देखो संभव त्रिभुज में क्या होता है, समय ने समान, भाव ने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या होता है, हमारा संभव त्रिभुज। तो इसमें चेक करना है कि तीनों भुजाएं समान आती है नहीं आती। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखो भुजा तो भुजा निकालनी है, भुजा निकालने का तरीका मैंने बताया था। देखो ये और ये दो बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो ये भुजा हो जाएगी, इन दोनों की दूरी ये दूसरी भुजा और इन दोनों की दूरी तीसरी भुजा। और यहाँ आपसे बोला है संभव त्रिभुज, तो संभव त्रिभुज मतलब समय ने समान, भाव ने भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, एक समान। तो अगर इसकी तीनों भुजाएं एक समान आ जाती है तो संभव त्रिभुज हो जाएगा, और नहीं आती है तो हम ना कर लेंगे। देखो दूरी का सूत्र हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको सबको पता है कि जब कोई भी बिंदु होता है उसमें आगे तो x वाला होता है, पीछे y वाला होता है। अब अगर ये दो बिंदु हो गए तो x1 y1 और ये x2 y2 लेते हैं। देखो दूरी निकालते हैं हम पहले AB वाली, तो यहाँ आपके सामने देखो x2 मतलब माइनस का a, फिर अपना माइनस x1 आगे वाला और ये स्क्वायर। अब आ जाओ y2 पे, तो y2 का मान कितना है, माइनस a, माइनस y1 का मान कितना है a, मतलब ये तो सब एक एक वाले हैं। अब वो एक एक कौन सा, x1 y1 वाला, ये सब किस कौन सा है, x2 y2 किसके लिए, केवल अभी ये लिया इसलिए, ये लेंगे तो चेंज हो जाएंगे, फिर ये लेंगे तो अलग आ जाएगा। यहां देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ जाती है, तो ये माइनस का 2a हो गया। यहां भी यही कंडीशन है, ये भी माइनस का 2a हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8a स्क्वायर। रूट ले लेंगे, देखो 8 किसका रूट होता है, 2√2 का, और ए स्क्वायर है तो उसका क्या लिख देंगे, तो ये हो गया अपना एक। अब सेकंड वाली ले लेते हैं BC, ये देखो BC, शुरू करते हैं, √3 है और ये अपना माइनस, और एक माइनस ये इसका खुद का है तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों माइनस ए, सॉरी पहले ऊपर कर ले, √3 है अपना माइनस और इसका खुद का माइनस प्लस के ए, और ये स्क्वायर। अब देखो ये तो ए और ये √3 है, हम इसको ओपन करते हैं, √3 है प्लस ए, ये हो जाएगा अपने इस वाले सूत्र से,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, है ना। यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए हो जाएगा माइनस वाले से। तो देखो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तीन ए स्क्वायर, फिर आता है माइनस टू ए, ए की जगह ये और बी की जगह भी ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या गुणा में लिख लो आप तो पहले, प्लस फिर आता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। सेम यही काम इसमें होएगा, जैसा इसमें किया सेम वैसा वैसा इसमें हो जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा चेंज, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये तीन ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए गुणा ए प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों तो सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, खत्म। तीन ए स्क्वायर ये ए की चार, तीन सात और एक आठ, आठ ये हो गया आठ ए स्क्वायर। इसका देखो सेम आ गया, रूट हटाएंगे तो दो रूट दो ए, एक ही हो गया, एक हो गया, एक अगला आएगा। तो इसके बाद अब क्या निकालना रहेगा हमारा एसी, तो अब एसी निकालेंगे। देखो अब बचा हमारे पास एसी, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया, दोनों बराबर आए हैं। अगर ये एसी भी बराबर आ जाएगा तो हम सिद्ध कर चुके होंगे। अब देखो एसी हमारे पास है एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें ये जरूरी नहीं है आप इसको लेना चाहो एक्स टू इसको ले सकते हो, इसको लेना चाहो इसको ले सकते हो, जहां से भी आप शुरू करना चाहोगे उसको मान सकते हो। और मैंने विशेष सूत्र में आपको एक सूत्र भी बता रखा है एक्स वन माइनस एक्स टू भी, क्योंकि इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं यहां से शुरू कर लो, ए माइनस अपना माइनस है ये तो यहां पहले से लगा हुआ है, तो ये प्लस रूट तीन है। अब यहां आ जाओ ए प्लस सॉरी माइनस और ये तीन रूट, अभी सेम हमने ऐसा कैसा ही किया है, ऐसा कैसा लिख दो, ये सूत्र बताया था मैंने, इससे ओपन हो जाएगा ये। अगर यहां माइनस आ गया तो इस जगह माइनस आ जाएगा, तो देखो ये प्लस वाला है तो ए स्क्वायर फिर प्लस टू ए बी फिर आएगा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो रूट तीन का स्क्वायर तो तीन और एक का स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम ये का यही यहां पे, सिर्फ इस जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो देखो ये दोनों सेम सिर्फ चिन्ह अलग, इसलिए कैंसिल, एक तीन चार पांच सॉरी यहां तीन और तीन आठ, तो आठ ए स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो आठ को लिखते हैं दो रूट दो और ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा ए। तो देखो तीनों बराबर आ गई तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर टू रूट टू ए, अर्थात तीनों भुजाओं का मान ये है मतलब सेम है, इसलिए 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 बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। आते हैं अगले सवाल पे, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, 11, 12 और 13 लगभग लगभग एक जैसे ही है। अब इधर ध्यान से देखना, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब ये दो बिंदु है, एक तो है हमारा माइनस दो माइनस पांच, दूसरा है दो माइनस तीन, नाम दे देते हैं हम इनको ये ए। से समान दूरी पर स्थित है मतलब कोई बिंदु है वो यहां हो सकता है, यहां भी मान सकते हैं, कहीं भी है
जो क्या है इनसे समान दूरी पर है। हमने तो यही मान लिया कि वो जो बिंदु है वो कहाँ है, इस जगह पर है, तो हम इसको मान लेते हैं ये क्या है एक्स। और एक्स अक्ष बोला है तो एक्स अक्ष पर जैसे ये हमारा एक्स होता है, ये तो एक्स और ये वाई। अगर कोई एक्स अक्ष पर रहेगा तो इस जगह जैसे ये यहाँ है, यहाँ होने का मतलब हो गया कि जो ये वाई वाला है उसका मान जीरो, क्योंकि वाई तो है ही नहीं वहां, तो इस वाई की जगह क्या हो जाएगा जीरो। और एक्स की जगह तो कोई मान है जो हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। अगर यही चीज आपसे बोलता कि वाई एक्स पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, फिर ऐसा कोई बिंदु दे देता, तो फिर आपको क्या करना था। अब जैसे ये यहाँ तो रहेगी वाई एक्स, तो ये वाला रहता है, तो वो जो बिंदु है वो कहाँ रहता, यहाँ या यहाँ कहीं भी इस पे, तो इस पे एक्स का तो कुछ मान आता ही नहीं, क्योंकि देखो एक्स पे तो जीरो आ रहा है भाई, ये लाइन है, इस लाइन को तो कहीं छू ही नहीं रहा है। अगर ये यहाँ होता तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इधर से तो कुछ है इधर से भी कुछ है, लेकिन ये तो यहाँ है तो यहाँ तो जीरो सबका ही रहता है, इससे ये तो जीरो आता, तो इसलिए उसमें अगर ऐसा आता है, क्योंकि इसके अगले वाला सवाल जो बारवा है वो आपका ऐसा ही है कि वाई एक्स पे, तो फिर एक्स पे तो क्या हो जाएगा जीरो और वाई पे क्या जाएगा वाई, जो कुछ मान आएगा वो हम निकालेंगे। जब तो अभी हम एक्स वाला कर रहे हैं तो एक्स की जगह तो कोई मान ले लिया और वाई की जगह पे क्या जाएगा जीरो। समान दूरी बोलिए, इसका मतलब यहां से जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे यहां है, तो इन दोनों की दूरी निकाल लो, इसको ओ मान लो, इन दोनों की दूरी निकालो और इधर की दूरी जो है उसको निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो बराबर, क्योंकि समान बोला है ना इसने, यहाँ पे समान दूरी पर है, मतलब कोई बिंदु है ये एक्स और जीरो वाला, जो इन दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर है, समान दूरी पर, तो इन दोनों की दूरी निकालो, इन दोनों की दूरी निकालो, और दोनों किसके बराबर कर दो एक दूसरे के। तो दूरी का सूत्र सब जानते हैं, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस। अब देखो हमने यहां ये लिया है तो हम ले लेते हैं ये एक्स टू और ये एक्स वन, हो गया इसे। फिर आगे बढ़ते हैं, जीरो वाई वन सॉरी वाई टू और माइनस अपना, और वाई टू का वाई वन का मान माइनस के पांच, तो ये हो गया प्लस के पांच, क्योंकि दो चीन एक साथ आते हैं प्लस हो जाते हैं गुणा में ना। तो अब बी ओ पे आ जाओ, ये दो माइनस अपना क्या है यहाँ एक्स, फिर ये माइनस के तीन, फिर माइनस कितना है करें सोल्व। अब दोनों तरफ रूट आ रही है तो वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा दोनों के रूट कट जाएंगे, यहाँ तो है एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर, जीरो प्लस पांच पांच हो गया, पांच का स्क्वायर, ठीक है ये वापस अलग तरीके से होगा इसी, माइनस तीन, जीरो कोई मतलब है नहीं, माइनस तीन का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था हमेशा जब भी इस तरह दो अलग अलग संख्या नजर आ जाए उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, अगर माइनस वाली आती है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, जिसको ये आ गया लगाना उसके प्रश्नावली बहुत ही चाहिए, क्योंकि आठ से आठ सवाल ये इस तरह के हैं, ये हार्ड सवाल है मतलब, अब अगर आपको ये सीधे लग रहे हैं तो फिर इससे हार्ड उसमें है ही नहीं, अभी देख लेना। रखते हैं ए स्क्वायर, मतलब ये लगाना आपको स्प्रिट में आना चाहिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर होता है टू ए बी, मतलब दोनों को गुणा करके दो से गुणा कर दो, दोनों गुणा करेंगे दो एक्स और दो से करेंगे तो चार एक्स, और बी स्क्वायर मतलब चार दो का स्क्वायर, और ये सेम ऐसे इधर ये चार माइनस चार एक्स इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के नौ नौ। अब कर लेते हैं एक्स वाली सारी एक तरफ, संख्या सारी एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, ये प्लस के चार एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर नौ और चार तेरह
माइनस 2504, ये दोनों तो खत्म, 4 और 4 और 13 में से 29 जाएंगे माइनस के 16, तो एक्स बराबर हो गया माइनस 16/8, काटेंगे तो माइनस के 2, तो एक्स का मान तो कितना आ गया माइनस 2, पीछे कितना है, अतः वह बिंदु माइनस 2 और 0। आई बात समझ में? देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः ये और ये बिंदु है, अब देखो बिंदु हमारे साइन कोस में दे रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि OP प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ O जो है वो है मूल बिंदु है, मतलब कोई दो बिंदु है, देखो हमें जैसे दे रखे, ये P मान दे रखा है और ये Q दे रखा है, P जो है वो है माइनस A साइन थीटा और बी कोस थीटा, Q जो है वो है A कोस थीटा बी साइन थीटा और ये है माइनस A साइन थीटा बी कोस, और एक बिंदु है O जो है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जो है वो होता है 0 0, तो हमें सिद्ध करना है, देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो देखो हमारे पास दूरी का सूत्र होता है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले देखो ओपी, फिर उस ओपी का भी स्क्वायर, तो किसी भी जैसे मान लो ये निकलती ओपी, तो ये सूत्र से जमेगी, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हम सीधा इस तरह जमा सकते हैं शायद, या पहले अलग अलग लिख लेते हैं एक बार, देखो ओपी निकलेगा X2, ये रहा X2 माइनस A साइन थीटा माइनस A कोस थीटा, सॉरी O, ये OP O और P, तो यहाँ देखो 0 माइनस A कोस थीटा प्लस ये भी 0 है 0 माइनस B साइन थीटा, फिर है OQ, OQ जो है वो इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए निकालेंगे, देखो माइनस A साइन थीटा माइनस ये 0 प्लस यहाँ है बी कोस थीटा माइनस यहाँ भी है 0, तो ये हो गया OP, ये हो गया OQ। अब हमें जो उसमें बोला है वो है इनका स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, तो OP का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ये हट जाएगा, और यहां देखो 0 में से सब कटाएंगे, तो ये 0 भी खत्म, कितना बचा है केवल A cos इसका स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस, यहां देखो ये तो खत्म, ये है माइनस A साइन थीटा का स्क्वायर और यहां है B कोस थीटा का स्क्वायर, अब देखो इनका स्क्वायर है जो कर देते हैं, तो ये तो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसमें देखो
इन दोनों में तो एक ओमन आ रहा है, बाहर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर पहले साइन को ले लो चाहो तो, और ये जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में बी स्क्वायर आ रहा है, अब हम जानते हैं कि ये तो एक होता है, ये भी एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा बराबर एक, यहां भी वही लिखा हुआ है और ये हमने कक्षा नाइन्थ में पढ़ा है, पहली सौर समीका ये होती थी। तो ए स्क्वायर गुणा एक प्लस बी स्क्वायर गुणा एक, इनको गुणा करेंगे ए स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे बी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था देखो, उसमें जो सिद्ध करना था उसमें लाना था, तो ये आ गया आर एच एस, यहाँ लिख देना, ये हो गया हमारा। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।